करने लगी हूँ जो सर ने हमें दिया है। उसके अंदर सबसे पहले सर ने हमें कंपैरिजन बताया है रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट और जनरल लिस्ट का। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूँ ये थी क्या। हमारे पास जो हमें डेटा स्ट्रक्चर का चार्ट सर ने दिया था वो ये था कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर की दो टाइप्स होती हैं, जनरल लिस्ट और रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। ठीक है, जो जनरल लिस्ट थी इसकी दो टाइप थी, अरे और लिंक्ड लिस्ट। अब हमने जो पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट की दो टाइप्स हैं, क्यू और स्टैक। ठीक है, तो अभी हमें पहले इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में कंपैरिजन मतलब है क्या, क्या चीज़ डिफरेंट है। तो वो चीज़ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो जनरल लिस्ट होती है उसके अंदर ये था कि जो भी अपडेट के ऑपरेशन थे ना, ऑपरेशन ऑफ अपडेट आइदर इंजर्शन और डिलीशन एनी वेयर इन द लिस्ट। हम कहीं पर भी लिस्ट के अंदर उसके इंजर्शन भी कर सकते थे और कहीं पर भी हम डिलीट भी कर सकते थे। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है ना, उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हम हर जगह पे अपडेट भी नहीं कर सकते और हर जगह पे डिलीट भी नहीं कर सकते। जो स्टैक होंगे, स्टैक ऐसा होता है कि ना, स्टैक इस टाइप का होता है, जो हमें ये सर शकील ने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमारे साथ कि स्टैक होता क्या है। स्टैक इस तरह से होता है, इसके इसका एक पॉइंटर होता है। इसको सपोज हम पी का पड़ा हो कहीं और हमारा पॉइंटर कहीं यहाँ नीचे पॉइंट आउट कर रहा हो, तो पॉइंटर ऑलवेज टॉप पर पॉइंट आउट करता है। तो हम अगर टॉप पर पॉइंट आउट करता है तो इट मींस कि हम यहीं पर इंसर्शन कर सकते हैं और यहीं से डिलीट करके नीचे वाले पे आ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। हाँ, कंपैरिजन करके हम एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं कि ये उसका अंदर है कि नहीं, बट वो आगे डिफरेंट चीज़ें हैं। बट हम इंसर्शन डिलीशन यहीं से कर सकते हैं टॉप से। ठीक है, ऐसे ही क्यू का है। क्यू का ये डिफरेंस है कि क्यू के अंदर क्या होता है, हम एक की एंड पे इंसर्शन कर सकते हैं और दूसरे एंड से डिलीट कर सकते हैं, शायद कुछ ऐसा है। मैंने अभी क्यू नहीं पढ़ा तो मुझे भी अभी क्लियरली नहीं पता, बट इसका यही है कि क्यू के अंदर क्या होता है, स्टार्ट और एंड पे हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कहीं और नहीं कर सकते होते। ओके, अब हम आते हैं स्टैक के ऊपर। स्टैक क्या होता है, स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर, यहाँ से याद रख लो कि हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स थे, लीनियर और नॉन लीनियर, बाकी आगे लीनियर की टाइप्स थी। तो ऑब्वियसली ये लीनियर की टाइप के अंदर आ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड के अंदर स्टैक आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर होगा। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें अलाउ ये करता है अपडेट ऑपरेशंस ओनली एट वन एंड, सिर्फ एक एंड पे हम इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जिसको हम टॉप कहते हैं और इसको हम टॉस भी कहते हैं, टॉप ऑफ स्टैक। उसके बाद है कुछ टर्म्स हैं स्टैक से रिलेटेड, मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। कोई भी डेटा स्टैक के अंदर इंसर्ट करना होता है टॉप के ऊपर, तो हम जो कमांड देते हैं उसको हम कहते हैं पुश। और अगर हमने कोई चीज़ वहाँ से डिलीट करनी हो टॉप के ऊपर से, उसको हम कहते हैं पॉप। ठीक है, तो और जो लिफो है, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टैक है ये वाला एक टेक्निक यूज़ करता है कि जो लास्ट पे हमने इंसर्ट की थी चीज़, हम वही चीज़ पहले निकाल सकते हैं, बाद में उससे नीचे वाली चीज़ें निकाल पाएंगे। तो इस तरह इसीलिए हम इसको कहते हैं ये वन एंड एक्सेस करता है हमें। ओके, अब दूसरी चीज़ है हमारे पास, व्हाट इज स्टैक। स्टैक इज़ ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ऐसे है कि इट इज़ स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ ऑपरेशन, इट कीप एनकैप्सुलेटेड डेटा एंड ऑल ऑपरेशन ऑन दैट डेटा टू बी लोकेशन लोकलाइज इन वन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये एनकैप्सुलेटेड ऐसे होता है। एनकैप्सुलेशन का मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट रिपीट कर देती हूँ। एनकैप्सुलेशन जो थी वो हमने कहा था कि जब हम जावा पढ़ रहे थे, जावा के अंदर हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो वहाँ पर हम ये कहते थे एनकैप्सुलेशन ऐसी चीज़ को बोलते हैं कि सपोज हमारे पास एक एंटिटी है, स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट का जो भी डेटा होगा, जो भी उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेटा जो हमारे टास्क के लिए हमें चाहिए होगा, उससे रिलेटेड डेटा अगर हम एक जगह पे बाउंड कर लें और उसको बाउंड करके रख लें, मतलब एक एनकैप्सुलेट करके रख लें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। स्टैक इसीलिए यूज़ होते हैं कि ये डेटा को ज़्यादा अरेंज करके रख देता है
ऑब्वियसली हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं ये सारे अरेंजमेंट के लिए ही यूज़ होते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है अरेंज करने की। अरेंज करके एक जगह पे बाउंड करके रख देना, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, रिलेटेड डेटा को एक जगह पे बाउंड करना, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। और दूसरा ये कि हाँ ठीक है, ओके, वाई स्टैक। वाई स्टैक मतलब कि लीफ ऑफ फिलॉसफी इन स्टैक यूज़ करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ क्या होती है। पोस्टपोन सर्टेन स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग अंटिल अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ओके, स्टैक जो है ना, हमें हमने मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इसके साथ रिलेट करूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमने एक पढ़ा था पाइपलाइन, पाइपलाइन का टॉपिक हमने सेशनल वन से पहले पढ़ा था डेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। उसके अंदर क्या था कि हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिक्स स्टेप्स थे, आई थिंक सिक्स ही थे शायद, ओके सिक्स स्टेप्स थे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे सिक्स स्टेप्स के अंदर एक एक्सप्रेशन पूरा प्रोसेस होता है, तो फिर अगले टाइम में पाइपलाइन के थ्रू हम क्या कर रहे थे कि हम उसको मतलब एक टाइम पे हम सेम, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका एक रिस्ट्रिक्शन थी, इसकी एक लिमिटेशन थी कि हम एक टाइम पे रहे तो इससे यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम 2 को नहीं काम करवा सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने जो अगला काम करवाना है कंप्यूटर से हम उसका 1 दे देंगे यहाँ पे इसके पैरेलल में। सेम काम नहीं कर सकते, लेकिन जब तक ये 2 चला हमारा 1 फ्री हो चुका था, तो फिर हम क्या करते हैं वो 1 वाले का जो भी चीज़ पीछे काम कर रही थी उसको हमने अगले एक्सप्रेशन का 1 दे दिया। इस तरह से हमारा टाइम बचता गया और ऐसा हो गया था, ठीक है। अब इसको मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा ये इसलिए हमने किया था क्योंकि ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर हम वेट करते कि ये पूरे 6 स्टेप्स करेगा उसके बाद हम इसको अगला 1 देंगे, अगले एक्सप्रेशन का 1 देंगे, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन चीज़ों को, हमने कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी देखा था कि किस तरह से हमारा टाइम बचता है, तो इसी तरह से सेम ऐसी ही चीज़ है, एक कंडीशन है कि हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि अगर हम फॉर एग्जांपल अब यही चीज़ हम पहले स्टैक को दे देते, किसी भी चीज़ को रजिस्टर्स को दे देते कि ये पहले सॉल्व करो फिर हम अगला एक्सप्रेशन देंगे, तो हमारा इतना जो टाइम यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ था हम अगला एक्सप्रेशन को प्रोसेसिंग में ला सकते थे, जो प्रोसेसिंग में ला सकते थे हम, वो वेस्ट हो गया था हमारा। जो हमने इतना टाइम वेस्ट किया उसकी जगह हम अगले एक्सप्रेशन को यहीं पर लगा देते कि आप साथ साथ इसको भी प्रोसेस करते रहो, तो इससे हमारा टाइम बच गया। इसीलिए अदरवाइज अब इसके अंदर एक और कंडीशन आती है कि हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं गो टू एक्स, ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद ये क्या करता है, ये फिर से यहाँ पर ले जाता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है ड्यूरिंग ये वाले हमारे टाइम बचाने वाले टाइम के एक्सप्रेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर, तो क्या होगा, तो ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आते हैं, इसके एंड में आ गया तो या इधर आ गया, ठीक है, 2 और 3 पे आ गया हमारा प्रोसेसर। अब उसको यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि गो टू एक्स। अब जो प्रोसेसर होता है वो उसको हमने इतना इंटेलिजेंट किया हुआ है कि उसने जब तक यहाँ पे 3 पे आया उसने इसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, तो इसकी प्रोसेसिंग जो है वो तो ज़ाया गई ना, क्योंकि हमें इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलानी नहीं है, हमें अब वापस 3 पे जाना है, अब 3 वाली स्टेटमेंट पे जो भी है वो यहाँ एग्जीक्यूट करना है। तो इससे ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी जो उसने स्टार्ट किया हुआ था काम वो अब वेस्ट गया। तो स्टैक जो होता है कुछ ऐसे ही स्टेप्स को बचाने के लिए पोस्टपोन कर देता है और पहले हमारी जो हमारी प्रोसेसिंग की कंडीशन है उसको देखता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अगली कंडीशन को लेके आता है। इसलिए भी कुछ स्टैक हमारा यूज़फुल होता है। अभी ये आपको शायद ना समझ आए क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वो टॉपिक सर दोबारा पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में शायद समझ आ जाए तब। इसके बाद है स्टैक्स की टाइप्स। स्टैक दो टाइप का होता है, स्टैटिक स्टैक होता है और डायनामिक स्टैक होता है। अब स्टैटिक स्टैक जो है